विकास, आप सभी लोगों का यहाँ पे सेवर्ड मिशन की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले अपने परिचय से शुरुआत करता हूँ, लेकिन उससे पहले पूछना चाहूंगा, आप सब लोगों ने ब्रेकफास्ट लिया कि नहीं? हेलो सर, लेना चाहिए, आप लोगों के लिए ये सारी व्यवस्था है। एनीवे, प्रोग्राम के बाद में जरूर लीजिएगा। नाम है यशदेव सिंह और सेवर्थ मिशन को पिछले एक साल से एज ए ट्रेनर लीड कर रहा हूं। थोड़ी सी बात करेंगे हम, आज आप लोगों को यहां बुलाने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है और ऐसा मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर जितनी भी देर बात की जाए, जितनी लंबी बात की जाए, जितनी देर बात की जाए कम होगी। लेकिन एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, हम कौन, और आज आप लोगों को यहां बुलाने का उद्देश्य क्या है? मैं थोड़ा सा 1.5 साल पहले पीछे जाना चाहूंगा। 1.5 साल पहले इस सेवर्थ मिशन के जो फाउंडर हैं डॉक्टर संदीप चौधरी, उनके दिमाग में कई वर्षों से ये चीज तो चल रही थी कि इस धरती के लिए, इस धरा के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन समस्या एक ही आती है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। भाई आज आप भी जिस चीज से प्रताड़ित हैं, मैं भी जिस चीज से प्रताड़ित हूं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना निकल के आता है कि उसकी शुरुआत कौन करे। तो शुरुआत करने का जिम्मा जो था वो डॉक्टर संदीप चौधरी जी ने, और जिनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि 2016 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी जापान गए थे, तो जापान के अंदर जो डेलीगेशन गया था उस डेलीगेशन को लीड करने वाले डॉक्टर संदीप चौधरी थे, जो इस सेवर्थ मिशन के फाउंडर हैं। 2017 के अंदर कैलिफोर्निया ग्लासगो के अंदर जो हेडक्वार्टर्स हैं गूगल के और फेसबुक के, वहां पे जो डेलीगेशन गया था उसके अंदर भी इंडिया को लीड करने वाले जो थे वो डॉक्टर संदीप चौधरी थे, एक बहुत बड़ी प्रोफाइल के साथ में। जब उस बंदे के दिमाग में ये आया कि यार इस धरती धरा के लिए कुछ करना चाहिए, तो करना क्या चाहिए, तो दो चीजों के ऊपर बात समझ में आई कि क्लाइमेट को बचाने के लिए कम्युनिटी चाहिए। मैं अकेला इस दुनिया को नहीं बचा सकता, आप अकेले इस दुनिया को नहीं बचा सकते, लेकिन हम सब मिलके इस दुनिया को बचा सकते हैं। तो जब बात कम्युनिटी की आई, तो कम्युनिटी इतनी आसानी से तो आती नहीं है, बहुत संघर्ष करना पड़ा, जगह जगह जाके लोगों को समझाना पड़ा कि भैया इस धरती को बचा लो, इस धरा को बचा लो। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करता हूं कि जिस दिन हम इस दुनिया के अंदर आते हैं, उस दिन से हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना शुरू करते हैं, इज इट राइट? हेलो, क्या जिस दिन, मतलब जब जन्म होता है हमारा इस धरा पे, जब हम पहली सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और दुनिया की जो 800 करोड़ की आबादी है, वो 800 करोड़ की आबादी यही काम कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी ऑक्सीजन लेने के बाद, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के बाद, क्या हमने इस धरा के लिए कुछ किया? एक मां ने हमें जाया, एक मां ने हमें पैदा किया और पैदा करने के बाद इस दुनिया में लेके आई, और दूसरी मां धरती मां, जिसके बारे में कहा जाता है कि वही तो हमारी पोषक है, आज उसके सीने के ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसकी धरा पे इतनी तकलीफें आ रही हैं, एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। तो डॉक्टर संदीप चौधरी के दिमाग में एक ही बात आई कि अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं किसी पे इरिगेशन नहीं लगा रहा हूं, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है लेकिन कागजों में। आज अगर मैं बात करूं तो इतना बड़ा फंड जो कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के अंदर सेवर्थ मिशन के ऊपर सेवर्थ ग्लोबल वार्मिंग बातें बहुत सारी हो रही है, लेकिन एग्जीक्यूशंस बहुत कम है। तो एग्जीक्यूशंस कौन करेगा? कोई तो करना चाहिए ना, कोई तो आगे आना चाहिए। तो 1.5 साल पहले डॉक्टर संदीप चौधरी ने इस मुहिम को शुरू किया और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष का अनुभव हो रहा है कि 1.5 साल में हम लोगों ने 10 लाख लोगों की कम्युनिटी पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया से जोड़ ली। 69 कंट्रीज के अंदर सेवर्थ मिशन जा चुका है, 69 कंट्रीज
यानी मैं ये कहूं कि क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग खाली हिंदुस्तान की प्रॉब्लम तो नहीं है ना, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। और दुनिया की प्रॉब्लम है तो आज दिन तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं, जितने भी किसी भी मिशन के टेक ऑफ हुए हैं, वो वर्ल्ड में हुए और वर्ल्ड से हिंदुस्तान के अंदर आए, लेकिन दिस इज द फर्स्ट मिशन जो कि हिंदुस्तान से टेक ऑफ हो रहा है और पूरी दुनिया में जा रहा है। अब हम कर क्या रहे हैं? हम सिर्फ एक ही चीज कर रहे हैं दोस्तों, कि अगर हमारे घर के अंदर बहुत बड़ा फर्नीचर लगा हुआ है, अगर लकड़ी हमारे घर के अंदर कट के आ रही है, तो क्या एग्जैक्टली हमने कभी कोई पेड़ लगाया? चलो पेड़ के बारे में तो दुनिया जानती है कि अगर दुनिया को बचाना है तो पेड़ लगाना है, लेकिन पेड़ लगाना सिर्फ एक दुनिया को बचाने का सॉल्यूशन नहीं हो सकता, उससे भी आगे जाके कुछ करना पड़ेगा। और जब बात आगे जाके करने की आती है तो लोगों के सोच खत्म हो जाती है कि एग्जैक्टली व्हाट वी डू, हम करें क्या ऐसा कि जिसकी वजह से यह दुनिया बच सके। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी विजय जो है आया ना, तबाही इस अहमदाबाद गुजरात से तो शुरू हुई थी, राजस्थान को तबाह करता हुआ कहां से कहां निकल गया। और ये तो शुरुआत है, ये शुरुआत है, क्योंकि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, सारे हिमखंड पिघल रहे हैं, पिघलने के बाद में जो ये समुद्र के अंदर जो मंथन हो रहे हैं, ये मंथन शुरुआत है दोस्तों। 2040 तक इस दुनिया का खत्म होना तय है अगर आज नहीं जागे। अगेन आई रिपीट, 2040 तक इस दुनिया का खत्म होना तय है अगर आज नहीं जागे। तो आज जागने के लिए क्या किया, 10 लाख लोगों की कम्युनिटी तो एक शुरुआत है। हम 6 जुलाई को एक प्रोग्राम कर रहे हैं यहीं अहमदाबाद शहर के अंदर। अहमदाबाद क्यों चुना? एक बहुत बड़े मिशन को, दुनिया को बचाने के मिशन को अगर कहीं से शुरू करना है तो गांधी जी ने जिस तरह से दांडी यात्रा अहमदाबाद से शुरू करी थी, अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए दांडी यात्रा की शुरुआत जब यहां से हुई थी और उसके बाद पूरी दुनिया हिल गई थी, अंग्रेजों के पांव उखड़ गए थे, तो इससे पवित्र जगह तो और कोई हो ही नहीं सकती किसी भी मिशन की शुरुआत करने के लिए। तो अहमदाबाद से ही हमने शुरुआत करी है। हां, अब सवाल यह है कि हम करने क्या बात है। हमारे पास में कुछ ऐसा है जिससे कि अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात कर रहा हूं। आप लोग मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से प्रदूषण कम होता है? हेलो, क्या आप लोगों को ऐसा कुछ जानकारी में है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से प्रदूषण कम होता है? नहीं होता है, नहीं होता है, क्योंकि एग्जैक्टली बैटरीज जो होती है ना, बैटरीज के अंदर जो चीजें यूज होती है, लिथियम हो गया, ये सारी चीजें, ये कहीं ना कहीं ऐसी हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी की खपत करके आप किसी कार्बन के प्रोड्यूस को कैसे कम कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमको कोल चाहिए, कोल खुद अपने आप में कार्बन टू CO2 का इनहेंसर है, ठीक है, सड़क पे आने के बाद में वो चीजें कार्बन को कम कर सकती है, लेकिन उसको जब चार्ज किया जा रहा है, जब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी लगाई जा रही है, तब उसके बाद में जो पॉल्यूशन हो रहा है, जो उन चीजों से हो रहा है, वो कहां जाएगा? Anyway, मैं किसी चीज की बुराई नहीं करता, लेकिन मैं इतना कहता हूं हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके अंदर नेचर की एनर्जी को भी हम छेड़ेंगे नहीं, और उसके बाद भी इस दुनिया की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आज यूज हो रही है ना, उसको हम 50% रिड्यूस कर देंगे। ऐसा कुछ धमाका 6 तारीख को होने वाला है। अब आप कहेंगे वो क्या? तो कहते हैं कि कुछ पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। लेकिन दुनिया की एक ऐसी क्रांति जो सोचा भी नहीं होगा, ऐसा प्रोडक्ट जो अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, जिसके अंदर ना कोई कार्बन लगेगा, ना किसी की एनर्जेटिक प्रेजेंस रहेगी, ना किसी की इलेक्ट्रिकल प्रेजेंस रहेगी, ना कोई ऐसा होगा जिसकी वजह से, हां कोई ऐसी चीजें होंगी जो यहां पर लग गई, उसके बाद में यह होगा कि देश और दुनिया के अंदर जितना भी तापमान हो, लेकिन आपके घर के अंदर का तापमान जो है ना, वो 20 डिग्री रहेगा, एसी चलाने नहीं पड़ेंगे। एसी दुनिया की तबाही का कारण ही एसी बॉस। आज अंदर बैठ के हम लोग इस चिल टेम्परेचर का मजा ले रहे हैं, लेकिन बाहर की आदत हो रही, जहां से इसका एग्जॉस्ट है,
वहां से कहीं ना कहीं गर्म हवा निकल रही है, ओजोन परत तक में छेद हो चुके हैं, मालूम है कि ग्लोबल वार्मिंग से देश और दुनिया तबाह होने वाली है। बचाना तो पड़ेगा, आपको और हमको बचाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली जो पीढ़ी है, जो आने वाले आज पैदा हुआ बच्चा 20 साल की जवानी नहीं देख पाएगा, या दुनिया आपका गोला बनने वाली है। इस दुनिया को आपका गोला बनने से बचाने की जिम्मेदारी किसी को तो उठानी पड़ेगी। सेवट मिशन के एज ए ट्रेनर पिछले 1.5 साल के अंदर मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में घूमा हूं, लाखों लोगों से मिला, उनसे बात करी। आज भी मैं जिससे भी बात करता हूं यही कहता है, सेवर्थ मिशन, हाँ यार आई एम आल्सो इंटरेस्टेड, मुझे भी इसके अंदर काम करना है, मुझे भी बताओ क्या करना चाहिए। बातों से नहीं होता है ना, घर से निकलना पड़ेगा, लोगों को समझाइश करनी पड़ेगी। आज आप इतना बड़ा मीडिया मेरे सामने बैठा है, आपके हाथ में जो कलम है, आपके कैमरे में जो पावर है ना, ये पावर देश और दुनिया के अंदर क्रांति ला सकती है। और इसी क्रांति के लिए हमने आगाज किया है, आज हमने आप लोगों को यहां पे इसलिए बुलाया है ताकि हमारे मिशन को और एनहांस करके आप देश और दुनिया के अंदर फैलाएं। 6 तारीख हम इतिहास लिखने वाले हैं, 6 तारीख को एक इतना ग्रैंड इवेंट होने वाला है। मैं आपको बता देता हूं कि इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं जनरल वीके सिंह जी, जो कि सेंट्रल मिनिस्टर है रोड एंड हाईवे और सिविल एविएशन मिशन में। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम लोग ये ग्लोबल वार्मिंग सब जगह पे आजकल एक बहुत बड़ा इश्यू है वर्ल्ड वाइड, आप देखोगे तो ग्लोबल वार्मिंग की इफेक्ट क्या क्या है, जैसे ये पीपल जॉय जो साइक्लोन आया, और डे बाय डे ईयर ऑन ईयर जो पृथ्वी का टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो हजारों क्यूबिक फीट जो आइस है वो पिघल रहा है, उससे आपका लेवल जो सी लेवल है ऊपर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से बाय 2040 ऐसा माना जाता है कि मुंबई, श्रीलंका का कोलंबो, सिंगापुर, ये सब फिलीपींस का जो मनेला है वो सब डूब जाएंगे। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की इफेक्ट है। और एक फ्लाइट दिल्ली से न्यूयॉर्क जाती है तो करीब 975 किलो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती है। और एक पेड़ अगर कटता है तो एक पेड़ मतलब एक किलो वुड में करीब 500 ग्राम से 1 किलो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे गांधीनगर में हम लोग डेवलप पूरी इंडिया में देख रहे हैं कि डेवलपमेंट की उसमें और पूरी दुनिया में जो एक होड़ हो रही है उसमें हजारों पेड़ कट रहे हैं। आज मैं 30 साल पहले जो गांधीनगर की कंडीशन थी और आज अगर आप देखते हो तो धीरे धीरे वो मतलब पेड़ कट रहे और फिर दूसरे नए पेड़ तो इतने लगते नहीं है। तो ये सेव अर्थ मिशन में हम लोग पूरे दुनिया में इसको पेड़ लगाने का एक बहुत ही बड़ा मिशन कर रहे हैं। उसके साथ में कई चीज़ें हैं जो मतलब वो 6 जुलाई को आपको बताई जाएगी कि भी कैसे हम लोग इसको सेव अर्थ मिशन को और मदर अर्थ को कैसे बचाना चाहिए। और आपने देखा होगा कि प्लास्टिक के भी पॉल्यूशन का जो प्रॉब्लम्स हो रहा है, रोज की 10 लाख बोतल प्लास्टिक की बिक रही है इंडिया में। अभी इसका इतना माइक्रो प्लास्टिक का इतना प्रॉब्लम आ रहा है कि वो प्लास्टिक समंदर में जाता है या नदियों में जाता है और उसके छोटे छोटे जो जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो उसके छोटे छोटे माइक्रोन्स में जो पिसिक होते हैं वो मछली खाती है या कहीं भी गाय बकरी खाती, वो पूरा अल्टीमेटली ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इश्यू है पॉल्यूशन का। तो आगे जाके इसको हमें कुछ भी करके बचाना पड़ेगा, वरना अगर आप देख रहे हैं कि दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 350 से ऊपर जा रहा है, तो कैंसर, ये टीबी, अपना लंग फेल्योर, ये सब मतलब सीरियस मेडिकल कंडीशंस क्रिएट हो रही है। और कई लोग जो मेरे नीति आयोग में, उनका कहना है कि भाई बाय 2050 अगर यही रफ्तार से डेवलपमेंट चलता रहा और अगर किसी ने मदर अर्थ के लिए कुछ काम नहीं किया तो बाय 2050 हम सभी को एक ऐसा वो आएगा हमारे जनरेशन को कि ऑक्सीजन का सिलेंडर पीछे लगा के जैसे स्पेस क्राफ्ट में लोग जाते हैं, ऐसा हमको करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन को हम कैसे रोक सकते हैं, इसी के लिए हमारे फाउंडर, ग्लोबल फाउंडर संदीप चौधरी जी ने सोचा और हम लोग सभी उसके साथ मिल के काम कर रहे हैं। तो हम आपको भी इनवाइट करते हैं कि हम लोग साथ में मिल के आओ, पूरी दुनिया को बचाए, मदर अर्थ को बचाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जगदीश जी। आप लोगों को एक जानकारी और देना चाहूंगा
छह तारीख को इस दुनिया के अंदर जिस तरह से स्पाइडरमैन ने धूम मचाई थी, अब आ रहा है सुपर हीरो। सुपर हीरो कौन है? सुपर हीरो वो जो कहीं भी जाके किसी को भी गलत होने पे टोक सकेगा। जैसे मान लीजिए किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर वो सुपर हीरो गया, वहां पे लाइट चल रही है, पंखे चल रहे हैं, कोई नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं शुरुआत तो किसी ना किसी को करनी, और ऐसे एक नहीं हजारों सुपर हीरोज। क्योंकि आजकल की जो जनता है ना, आजकल का जो यूथ है, वो किसी ऐसी चीज से अट्रैक्ट होता है। जैसे कि स्पाइडरमैन, आप लोगों ने देखा होगा कि स्पाइडरमैन किस तरह से जाके किसी की भी जान बचाता था, इसी तरह से इस दुनिया को बचाने के लिए एक सुपर हीरो अवतरित हो रहा है, और वो भी 6 जुलाई को। आप खुद देख के उसको अचंभित होंगे कि वाकई ऐसा भी हो सकता है। वो सुपर हीरो कोई एक नहीं होगा, वो सुपर हीरो लाखों लोग होंगे। वो लाखों लोगों के अंदर वो सुपर हीरो की भावना को हम इजाद करने की कोशिश करेंगे। अब चूंकि जैसा कि बताया गया था डेटास के अंदर कि हम लोग 600 जंगल उगाने के लिए कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट सपोर्ट भी चाहिए। जमीनें जो बंजर पड़ी हुई है वो गवर्नमेंट की, उन जमीनों को लेकर और उसके ऊपर हम प्लांटेशन का जो हमारा प्रोजेक्ट है। तो अब हमारे बीच में जो है जगदीश जी, इंडिपेंडेंट एडवाइजर फॉर मिशन और पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेट नेटवर्क का इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट के अंदर बहुत अच्छी लाइजनिंग है। मैंने आपको बताया था कि हम कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ ले रहे हैं, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सब निस्वार्थ भाव से इस काम को कर रहे हैं। आज कोई भी हमारा फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं है इसके अंदर कि किसी पैसे के लिए काम कर रहे हैं। हम इस धरती को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। पैसा भगवान ने दिया है, अच्छा दिया, बहुत दिया, दो वक्त की रोटी खाने के लिए जितना चाहिए सबके पास है। लेकिन इस दुनिया को बचाने के नेक नियति के साथ अगर इस दुनिया के अंदर अगर समाज को कुछ दे सके, तो हम सोचेंगे कि भगवान ने हमारा मानव जीवन सफल कर दिया। तो मैं हमारे बीच में अब जगदीश जी हैं, मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा सा कैसे हम गवर्नमेंट को अपने साथ लाइजनिंग करके और आगे हमारे प्रोजेक्ट को बढ़ाना चाह रहे हैं। श्रीमान जगदीश जी। धन्यवाद योगेश जी, सभी मीडिया कर्मी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, हम सभी का स्वागत करता हूँ। मैं पिछले 12 साल से नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर नेचर से जुड़े हुए जितने स्टेट हैं उसमें से सबसे ब्यूटीफुल जो स्टेट है वो है आसाम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। प्रकृति से भरा हुआ जो प्रदेश है वो उत्तराखंड है, धार्मिक स्थलों से भरा हुआ प्रदेश है वो उत्तराखंड। पिछले 2-3 साल से मेरा जो अनुभव है, इतने सारे डिस्टर्बेंस और इतनी सारी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोग वहां पे इकट्ठे होके हमारी गंगा नदी को अपवित्र कर रहे हैं, वहां के नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अपनी प्रकृति को बचाने के लिए हमें एक ऐसा मिशन हाथ पे लेना चाहिए। तो हमारे साथी मित्र योगेश जी और गुरदास जी ने हमें संपर्क किया कि सर आप भी हमारी टीम के साथ आपका सहयोग दें। संदीप जी जो हैं, जो फाउंडर है, जिन्होंने अपना पूरा एम्पायर, अपनी पूरी कमाई सेवर्स में लगा, तो उनके उद्देश्य को आगे ले जाने के लिए मेरा जो सहयोग है वो सहयोग मैं आगे सेवक को देता रहूंगा। और आप सभी को भी मेरा निवेदन है कि आप भी छोटे से छोटे गांव में जो लोग प्रकृति को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं और सेवर्थ का नाम उनकी जहन में डालें कि भाई ऐसी एक संस्था है जो निस्वार्थ भाव से प्रकृति को बचाने के लिए प्रयास कर रही है। आपके जो भी सुझाव रहेंगे वो हमारे तक आएंगे, हम उसको नोट करेंगे और उसके ऊपर हम अमल करके आगे बढ़ेंगे। प्रकृति हमें जो देती है वो सही देती है, सालों से हमें अच्छा देती आ रही है, लेकिन अभी
बहुत सारे रोग प्रकृति को डिस्टर्ब करने से कितने सारे रोग अभी पता है। जो सेव अर्थ का जो मिशन है उसका मेन मकसद क्या है दोस्तों? सेव अर्थ मिशन, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करूं तो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग आज की तारीख में दुनिया में सबको प्रताड़ित कर रहा है। और हमारा जो मिशन है सेव अर्थ मिशन, इसके तहत एक ग्रैंड टेक ऑफ हम लोग करने वाले हैं अहमदाबाद शहर के अंदर 6 जुलाई को। 6 जुलाई को जो प्रोग्राम होने वाला है, इसके अंदर देश और दुनिया को इसी प्रोग्राम के अंदर मैं बताना चाहूंगा कि 69 कंट्रीज से डेलीगेशन आ रहे हैं, फॉरेन डेलीगेशन आ रहे हैं। और इस प्रोग्राम को जो चीफ गेस्ट हम लीड कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को जनरल वीके सिंह जी, केंद्रीय मंत्री जो हैं, वो हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाने के लिए आ रहे हैं। इसी के साथ कई ब्यूरोक्रेट्स भी इस 6 जुलाई के प्रोग्राम में रहेंगे। सेव अर्थ मिशन का ग्रैंड टेक ऑफ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मिशन होते हैं वो हिंदुस्तान के अंदर आते हैं, बट दिस इज द फर्स्ट मिशन जो कि हिंदुस्तान से पूरी दुनिया के अंदर जा रहा है। और वो भी कौन सा मिशन? दुनिया को बचाने का मिशन, वर्ल्ड बिगेस्ट मिशन। आज भी आप जाके अगर गूगल पे टाइप करेंगे ना वर्ल्ड बिगेस्ट मिशन, तो वहां पे निकल के आएगा सेव अर्थ मिशन। और सेव अर्थ मिशन मतलब डॉक्टर संदीप चौधरी, उन्होंने इस पूरी दुनिया को 2040 तक ग्लोबल वार्मिंग से बचाने का एक बीड़ा उठाया है। और उसी के तहत 6 जुलाई को मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं क्लब O7 जो है आपका, इसी अहमदाबाद शहर के अंदर, जहां से एक इतिहास लिखा जाना है इस पूरी दुनिया को बचाने के मिशन का। तो आप सभी लोग आमंत्रित हैं, मैं आपको इनवाइट करता हूं, आइएगा जरूर इस इतिहास का साक्षी बनने के लिए, भागीदार बनने के लिए। मिशन के तहत क्या कार्य किया जाएगा? क्या कार्य सेव अर्थ मिशन के तहत काम दिया है सर? देखिए, प्लांटेशन हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, 10 लाख लोगों की कम्युनिटी हमारी बन चुकी है पूरी वर्ल्ड वाइड। इसी में से हिंदुस्तान के अंदर हम लोगों ने 600 जंगल लगाने का एक मुहिम चालू करी है। उसके अंदर हम गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट से हम लोग लीज के ऊपर, लीज मतलब ये कि जमीन उनकी रहेगी और प्लांटेशन हम लोग करेंगे। इसी के साथ कई ऐसे लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जिनकी खुद की अपनी जमीन है। राजस्थान में 3 जगह हम लोग काम कर चालू कर चुके हैं, और ऐसे ऑल ओवर इंडिया जिन लोगों को ऐसा लगता है कि यार इस मिशन के लिए कुछ करना चाहिए, वो लोग आगे आ रहे हैं हमारे पास, अपनी जमीनें दे रहे हैं और हम लोग उसके ऊपर प्लांटेशन कर रहे हैं। खाली प्लांटेशन एक ऐसी चीज नहीं है जिससे दुनिया बच सकेगी, इसके अलावा हम कम्युनिटी के लिए और भी ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं जिससे कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। तो ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट्स के बारे में भी बहुत विस्तृत में आपको 6 तारीख को जानकारी मिलेगी। मैं जरूर चाहूंगा कि 6 तारीख को आप लोग पूरा मीडिया वहां पे आए और जो वहां प्रोग्राम होने वाला है उसको पूरी दुनिया के अंदर फैला दें। क्लाइमेट चेंज से क्या खतरा आने वाला इन फ्यूचर? क्लाइमेट चेंज से खतरा तो आ रहा है। बिजरजोय आया था, बिजरजोय ने इतनी तबाही मचाई, उसके पहले 3-4-5 तूफान और भी आ चुके हैं और ये तो अब कंटिन्यूटी में आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से तापमान बढ़ रहा है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, और समुद्र के आसपास के जितने भी शहर हैं, मान के चलिए कि आने वाले 2-5 सालों के अंदर वहां इतनी बड़ी बड़ी तबाहियां देखने को मिलेगी। उन तबाहियों से बचने के लिए मैं कहता हूं कि 10 साल बाद अगर हमें कोई रिजल्ट चाहिए तो उसका हमें आज तैयारी करनी पड़ेगी। आज तैयारी करने का मतलब यह है कि इस दुनिया को बचाने के मिशन पर हमें आज काम करना पड़ेगा। 10 साल बाद तो यह दुनिया तबाह हो चुकी होगी, खत्म हो चुकी होगी। इसलिए मेरा आह्वान है इस पूरी दुनिया से कि आप लोग आइए, हमारे मिशन के साथ जुड़िए और इस दुनिया को बचाइए। ओके, थैंक यू।